आपको दिनकर जी से इतना लगाव क्यों है? पता नहीं कितनी बार यह सवाल मुझसे दोहराया जाता है। क्यों लगाव है दिनकर से, इसका जवाब तो शायद मेरे पास नहीं है। हाँ, ये जरूर जानता हूं कि दिनकर से मेरी पहली मुलाकात ही मोहब्बत में बदल गई थी, लव एट फर्स्ट मीटिंग। और यह मुलाकात तब हुई थी जब मैं सिर्फ 10 साल का था। ये वो जमाना था जब यूपी बोर्ड परीक्षाओं के सेंटर बीसियों किलोमीटर दूर जाया करते थे और स्टूडेंट्स परीक्षा के समय अक्सर अपनी दूर दराज की रिश्तेदारियां निकाल के कहीं ना कहीं रुकते और महीना भर परीक्षा देकर वापस घर आते। हमारे घर का माहौल भी फरवरी के आखिर से ही बदलना शुरू हो जाता। मम्मी को भी पता होता कि कोई ना कोई तो आएगा ही। ऊपर वाला कमरा साफ करवा दिया जाता और जैसे जैसे हमारे घर में आने वालों की और खाने वालों की गिनती बढ़ती, मम्मी के चेहरे का रंग और रसोई की महक दोनों चटक होते जाते। खैर, रसोई का जिक्र फिर कभी। उन्हीं दिनों की बात है, 12वीं की परीक्षा देने एक भैया घर आए जो मेरे दूर के रिश्तेदार थे। उन दिनों परीक्षा की एक और खास बात थी, परीक्षा किसी भी कक्षा की हो, पहला पेपर हिंदी का ही होता था। तो एक दिन भैया जोर जोर से छत पर बैठे कुछ पढ़ रहे थे। थोड़ी देर तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, पर शब्दों में घन गरज ऐसी थी कि मैं कान लगाए सुनता रहा। इम्तहान खत्म हुआ, भैया घर जाने लगे तो मैंने उनसे पूछा, उस रोज आप क्या पढ़ रहे थे? उन्होंने कहा, दिनकर की उर्वशी। उन्होंने किताब बस्ते से निकालकर मुझे दे दी। मैं कॉन्वेंट में पढ़ता था, शायद 6th स्टैंडर्ड में। वर्ड्सवर्थ, शैली, शेक्सपियर को थोड़ा बहुत पढ़ चुका था, उनके नाम से वाकिफ था, लेकिन दिनकर ये नाम मैंने पहली बार सुना था। मैंने उस किताब से उर्वशी वाला पाठ पढ़ना शुरू किया। वो प्रसंग पढ़ा जब इंद्र का दरबार सजा हुआ था, अप्सराएं नाच रही थीं और उस दिन डांस को लीड कर रही थी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी। तभी तीनों लोगों का भ्रमण करके कहीं से नारद जी स्वर्गलोक पहुंच गए और नारायण नारायण करके जैसे ही अपने आसन पर बैठे, इंद्र नारद मुनि से पूछ बैठे, कहिए नारद जी, आप तो तीनों लोग घूम के आए हैं, है तीनों लोगों में कोई हम जैसा प्रतापी? सचता है कहीं ऐसा दरबार? नारद जी जरा ठिठके, फिर मुस्कुराते हुए बोले, महाराज और तो कोई नहीं पर पृथ्वी पे एक राजा है पुरुरवा, ना ही उससे प्रतापी कोई है ना ही सुंदर। इतना सुनते ही इंद्र का चेहरा उतर गया। बात को टालते हुए उन्होंने अपना मुंह फिरा लिया और नृत्य देखने लगे। पर नारद की बात उर्वशी पर बड़ा गहरा असर छोड़ गई। पुरुरवा, ना कोई उससे प्रतापी ना सुंदर। उर्वशी का मन जाकर पुरुरवा पे अटक गया। लगा, ऐसा पुरुष आखिर होगा कैसा जिसके जैसा तीनों लोकों में कोई नहीं, जिसकी टक्कर इंद्रदेव भी नहीं ले सकते। और इसी उधेड़बुन में उर्वशी के नृत्य का ताल बिगड़ गया। इंद्र तो पहले से ही चिढ़े बैठे थे, सो चीख पड़े, निकल जाओ मेरे स्वर्ग लोक से और वहीं जाओ जहां तुम्हारा ध्यान लगा है, स्वर्ग में तुम्हारी कोई जगह नहीं। उर्वशी को स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आना पड़ा जहां वो पुरुरवा से मिली। दोनों में प्रेम हुआ, फिर विवाह हुआ और फिर एक दिन सब कुछ यहीं इसी धरती पर छोड़कर उर्वशी को वापस स्वर्ग जाना पड़ा। दिनकर जी ने उर्वशी की एक एक पंक्ति को जादू जैसा लिखा है, लेकिन वो अंश मुझे सबसे ज्यादा झकझोरता है जहां पुरुरवा जैसा प्रतापी, जिसे हराने वाला पृथ्वी पर कोई पैदा ही नहीं हुआ, वो प्रेम के आगे घुटने टेक देता है और अपनी पराजय स्वीकार करता है। सुनिए दिनकर के शब्दों में पुरुरवा क्या कह रहे हैं उर्वशी से। कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता हूं, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा उस वेदना को जानता हूं। कामनाओं के झकोरे रोकते हैं राह मेरी, खींच लेती है तृषा पीछे पकड़कर बांह मेरी। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। यह शिला सा वक्ष, यह चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। मर्त्यमानों की विजय का तूर्य हूं मैं उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूं मैं।
अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूँ, पर न जाने बात क्या है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, बिद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बाण का पींधा हुआ खग, वक्ष पर धरशीश मरना चाहता हूँ। क्या सुन के शंकर का डमरू, गौरी ने आंखें फेरी थी, क्या राधा के पग रुक पाए जब श्याम ने ताने छेड़ी थी। जब वही लाग मेरे मन में लगी, मेरा मान गया मेरा मोल गया, मैं प्रेम सिंहासन पर बैठी तो राज सिंहासन डोल गया। दुनिया का सबसे छोटा और सबसे बड़ा शब्द है माँ। आपकी जिंदगी में सैकड़ों लोग होंगे, हजारों लोग होंगे, लेकिन हिसाब लगा के देख लीजिए, किसी का भी प्यार माँ के प्यार से 9 महीने कम निकलेगा। उस दिन प्रयाग स्टेशन पर कई सवाल पूछे थे, तुमने क्यों मुझे छोड़ दिया, ऐसी क्या कमी है मुझ में। तुम खुद ही तो आई थी मेरे पास ये कहने कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और हमेशा करती रहोगी, फिर अचानक क्या बदल गया। प्रयाग स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उठे वो सवाल बहुत दिनों तक हवा में झूलते रहे और फिर एक दिन अचानक सबका जवाब एक साथ मिल गया। ऐसा है तो मनुज लोक निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा, किंतु भाग्य है बलि कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है।